जे मुखाने चांगले प्रकारे स्वच्छता राबून चांगले प्रकारे सगळे लाईन ऑर्डर आणि कायदेशीर म्हणजे चांगले पद्धतीने सगळं कार्य पार पाडले असं सर्व मंडळांना सर्वांकडून त्यामध्ये फायनल केलेलं आहे आणि ते म्हणलं तर आज कार्यक्रम बक्षीस समारंभ ठेवण्यात आला. मी ज्यावेळेला दामोदर नाक्यावर पोहोचलो तर मला आयोग साहेबांचा फोन आला की तुम्ही साहेब आता येऊ नका याच्यात होत नाही. म्हणजे साहेब जरी 10 वेळा असते तरी आपल्याला कार्यक्रम करायचं कार्यक्रम नाही करायचा प्रश्नच येत नाही. पण मला अशा प्रकारचे विचार घर गया हसला घर गया हसला तो मैं हौसले घटाने के लिए हौसले बढ़ा के आगे चलने वाला इंसान हूँ और इसके लिए पब्लिक मेरे कार्यक्रम में कितनी आई या न आई यह हमारा पहला कार्यक्रम जिसमें प्रशासन के हमारे कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट किया यहाँ पर के कुछ हमारे जिस तरीके से हमको ये कार्यक्रम का उसमें उन्होंने अपनी तरफ से अवसर जताया. मगर मैं इतना ही कहूंगा कि ये कार्यक्रम हम आने वाले साल में ये सभागार में लगभग 300 कुर्सी अभी लगी हुई है. इसके पुलिस के कार्यक्रम में इतनी कुर्सी थी जिसमें लगभग 200 कुर्सी भरी है, 100 के करीब कुर्सी खाली. आगे साल इंशाल्लाह इसी सभागार में हम 600 कुर्सी लगाएंगे, 600 कुर्सी भरे लगाएंगे और उसका नियोजन खाली हम प्रदर्शन में नहीं छोड़ेंगे. हम तमाम ये सब मंडलों का इन्वॉल्व करेंगे, मंडल वालों के साथ हम मीटिंग लेंगे महापालिका में, एक उत्साह निर्माण करेंगे और उत्साह निर्माण करके कार्यक्रम को सक्सेस करके बताएंगे. यहाँ पर अगर हमने किसी चीज की शुरुआत की है और उसमें स्टार्ट में हमको इतना एक्सपीरियंस है, हमारे पास कोई 6 पुलिस स्टेशन नहीं है कि हर पुलिस स्टेशन अपने क्षेत्र के लोगों को इन्फॉर्म कर हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उस तरीके का हमने कार्यक्रम किया नहीं है. मगर महानगर पालिका के पास 4,500 हमारे एम्प्लॉय कर्मचारी है जिसमें से तकरीबन 2,000 से ज्यादा हमारा हर समाज से संबंध रखने वाला. तो आने वाले साल में मैं आपको भाई देता हूँ कि आपको हम पूरा भर के बताएंगे और अगर अगर हमारा हॉल नहीं भरा तो उसके लिए भी हम उसके आप जिम्मेदार ले जाए. आज कमिश्नर साहब ने जिता दी, आज सर महापौर कर गई, हमारे नगर सेवक कर रहे होते हैं. अगर नगर सेवक भी रहा तो भी मैं उसको स्वीकारूंगा. मगर ये कार्यक्रम जिसको हमने शुरुआत किया इसको बंद नहीं होने देंगे. मैं अकेला जा रहा था मंजिल मकसद की तरफ और लोग आते गए, कारवा बनता गया, हम कारवा बना के आगे बढ़ाते रहेंगे और इस कार्यक्रम को आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा शानदार तरीके से करके हम आप लोगों को बताएंगे. आप लोग जितने भी लोग यहाँ है मैं सबका महानगर पालिका की तरफ से आभार मानता हूँ. जिस तरीके से पूरा आयोजन करना चाहिए था वैसे किया नहीं, फिर भी जितनी भी तादाद है सफिशियंट है और मैं समझता हूँ कि उससे हमको बिल्कुल दिल को यह उठाना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम ठीक है. हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट हुआ है जो हमारी कमजोरी है उसको दुरुस्त करना है और आने वाले साल में एक शानदार कार्यक्रम करके बताएंगे और आने वाले 24 तारीख को उसकी झलक थोड़ी आपको दिखेगी. इतना ही कहकर मैं अपने दोनों सदन को बता जाए.